वेलकम टू CEC online ऑनलाइन लेक्चर सीरीज we वी विल डिस्कस अबाउट द of ऑफ लिबर्टी is इज second chapter चैप्टर ऑफ program first प्रोग्राम फर्स्ट ईयर एज पर द सिस्टम देखिए राजनीतिक सिद्धांत का परिचय BA program प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट semester का एक पेपर है political थ्योरी इंट्रोडक्शन टू political थ्योरी उसका दूसरा अध्याय आता है स्वतंत्रता पर और देखिए स्वतंत्रता के चैप्टर के अंदर हम लोग स्वतंत्रता का अर्थ और इसके विभिन्न प्रकार विशेष रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे और इसके पश्चात स्वतंत्रता पर जे एस यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को पढ़ेंगे और इसके उपरांत स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी विचारकों का क्या कहना है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे देखिए जहां तक स्वतंत्रता के अर्थ की बात है तो देखिए दो तीन चीजें मैं पहले सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा अमूमन ये समझ लिया जाता है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति जो चाहे सो करे और व्यक्ति की किसी भी गतिविधि पर राज्य का या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए देखिए वास्तव में यह स्वतंत्रता की गलत अवधारणा है स्वतंत्रता का सही अर्थ होता है अनचाहे कार्यों पर यानी व्यक्ति जो चाहे सो करे ये स्वतंत्रता नहीं होता बल्कि जो कार्य किए जाने चाहिए उनको किए जाने का अधिकार दिया जाना उसका मौका दिया जाना वास्तव में स्वतंत्रता कहलाता है देखिए सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ माना गया कि केवल राजाओं के अत्याचारों से छुटकारा पा लिया जाए तो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और बाद में जाकर के इस राजनीतिक विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और राजनीति के सिद्धांत में स्वतंत्रता की समस्याओं पर विचार किया जाने लगा देखिए जब हम स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते हैं तो इस पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जाना बहुत जरूरी है पहले अर्थ में स्वतंत्रता को एक मानवीय गुण के रूप में देखा जाता है फ्रीडम और लिबर्टी एज ए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग और दूसरे अर्थों में स्वतंत्रता को मनुष्य की एक दशा के संदर्भ में देखा जाता है जिसमें मनुष्य स्वयं कुछ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करता है देखिए पहले अर्थ में स्वतंत्रता को मानवीय गुण के रूप में देखा जाता है जिसका मतलब होता है कि जहां वस्तुएं और जीव जंतु प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों से नियमित होते हैं वहीं केवल मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपनी बुद्धि के बल पर प्रकृति के नियमों को जानकर उन्हें अपनी पूर्ति के उद्देश्य का साधन बना सकता है दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है जिसमें मनुष्य स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सक्षम होता है और इसमें माना जाता है कि मनुष्य में स्वतंत्रता का गुण या क्षमता पहले से ही मौजूद होती है और राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार स्वतंत्रता की दशा से ही है दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का सिद्धांत यह मांग करता है कि व्यक्ति की गतिविधियों पर कोई भी अनुचित प्रतिबंध ना लगाया जाए और जो लोग स्वयं स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कैपेबल सक्षम ना हो उनके लिए राज्य स्वयं कल्याणकारी राज्य की भूमिका में राज्य स्वयं एक वेलफेयर स्टेट की भूमिका में आ जाए देखिए स्वतंत्रता का दूसरा पहलू होता है क्वालिटी ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का गुण देखिए स्वतंत्रता के गुण का संकेत देने के लिए अंग्रेजी में हम लोग फ्रीडम शब्द का प्रयोग करते हैं वहीं स्वतंत्रता की दशा यानी कंडीशन ऑफ लिबर्टी का संकेत देने के लिए हम फ्रीडम और लिबर्टी दोनों शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं देखिए जहां तक स्वतंत्रता की परिभाषा की बात है देखिए लॉस्की ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता यत्नपूर्वक यानी कोशिश के साथ किए जाने वाला एक ऐसे वातावरण में किए जाने वाला प्रयास है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास का सुअवसर प्राप्त हो इसी बात को बार्कर ने कहा था बहुत युक्ति तरीके से बारकर ने इस बात को कहा था गौर कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बारकर का बार्कर का कहना था कि जिस प्रकार बदसूरती का अभाव खूबसूरती नहीं होता उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं होता और इसी बात को आगे चलकर थॉमस हिल ग्रीन ने इस्तेमाल किया था और थॉमस हिल ग्रीन का भी यही कहना था कि बदसूरती के अभाव को खूबसूरती नहीं कहा जा सकता ठीक उसी प्रकार प्रतिबंधों के अभाव को भी स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता देखिए स्वतंत्रता को हम लोग इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द लीबर से हुई है जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव गौर कीजिएगा वर्ड लीबर मीन्स एबसेंस ऑफ रेस्टोरेंट एंड दिस वर्ड इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड एंड वी आर यूजिंग लिबर्टी इन इंग्लिश द वर्ड लिबर्टी इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड लीबर और लीबर का मतलब होता है बंधनों का अभाव इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी है लोग जो चाहे सो करें देखिये वास्तव में ये स्वतंत्रता का बहुत ही गलत अवधारणा है बहुत ही गलत अर्थ है एक भ्रमपूर्ण अर्थ है स्वतंत्रता का अर्थ यदि यही ले लिया जाए कि हर एक बंधन एक बुराई है तो मैं कहूंगा स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई अंतर नहीं रहेगा और किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को असीमित स्वतंत्रता एब्सोल्यूट लिबर्टी अनकंडीशनल लिबर्टी अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं दी जा सकती व्यक्ति जो चाहे सो करे उसको ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि देखिए मनुष्यों में अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा और लॉस्की ने इसी बात को जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोहराया था लॉस्की ने कहा था कि स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का सुअवसर प्राप्त हो और बार्कर ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा था दोबारा दोहरा रहा हूं जिस प्रकार बदसूरती का अभाव खूबसूरती नहीं होता उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं होता देखिए राजनीतिक सिद्धांत की एक बहुत रोचक बात है जब आप इस तरीके के वाक्यांशों को इस तरीके के, के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो ये आपकी दलीलों को और आप जो बात कहना चाहते हैं उसको बहुत स्पष्ट तरीके से रखते हैं इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है जिस प्रकार बदसूरती का अभाव खूबसूरती नहीं होता देखिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो आप उसे वास्तव में सुंदर मत समझिए सुंदरता का सही अर्थ होता है कि व्यक्ति चरित्रवान हो व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो व्यक्ति की सोच अच्छी हो तो वो व्यक्ति अच्छा है ठीक इसी प्रकार बदसूरती का अभाव खूबसूरती नहीं होता ठीक उसी प्रकार बंधनों के अभाव को आप स्वतंत्रता मत समझिए बल्कि आप ये समझिए कि अनुचित प्रतिबंधों की व्यवस्था का नाम अनुचित प्रति प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था का नाम स्वतंत्रता का सही अर्थ होता है मैकेजी ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं है अपितु तो अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है इंस्टेड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक लिबर्टी इज बेसिकली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंस्टेड ऑफ अनरीजनेबल रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड वी आर नॉट एबल वी आर नॉट इन टू गेट एब्सोल्यूट राइट हमारे स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है और देखिए जब हम स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देते हैं याद रखिएगा नकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देता है इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा नेगेटिव लिबर्टी इज बेसिकली सपोर्ट और प्रमोट एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स नकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में प्रतिबंधों के अभाव की बात करती है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की बात करती है और देखिए बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के कार्यों पर राज्य की तरफ से कम से कम प्रतिबंध लगाने की बात कही है जिन्हें हम नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मान सकते हैं जिसमें जॉन लॉक हैं एडम स्मिथ हैं हर्बर्ट स्पेंसर हैं और आज के समय में आइजिया बर्लिन ने भी नकारात्मक स्वतंत्रता को ही दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयास किया था देखिए जब हम स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देते हैं तब हमारा ध्यान स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष पर होता है दूसरे शब्दों में व्यक्ति जो चाहे सो करे और व्यक्ति की किसी भी गतिविधि पर राज्य का सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए इसे आप औपचारिक स्वतंत्रता भी मान सकते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता भी जान सकते हैं और कई विद्वानों का कहना है कि मनुष्य के कार्यों पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए देखिए सभी व्यक्तिवादियों का कहना था और सभी परंपरागत उदारवादियों ने भी कहा था कि राज्य और सरकार को व्यक्तियों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप यानी मिनिमल इंटरफेरेंस, यानी मिनिमम स्टेट की बात इन्होंने की थी कम से कम प्रतिबंध का समर्थन किया था और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में हमें जॉन लॉक एडम स्मिथ हर्बर्ट स्पेंसर और बहुत सारे कई विचारकों का पढ़ने को मिलता है देखिए जहां तक नकारात्मक स्वतंत्रता की बात है तो सबसे पहले हम लोग जॉन लॉक के विचारों को जानना चाहेंगे देखिए जॉन लॉक को एक व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है और जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नागरिक सरकार पर या नागरिक शासन पर दो निबंध और इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति के तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी जीवन का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार और इन तीन प्राकृतिक अधिकारों को जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा था और लॉक का कहना था कि देखिए जनता सरकार चूंकि जनता की सेवक है और वो केवल तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक जनता का विश्वास मत उसको प्राप्त है उसका कहना था कि विधानमंडल या कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे मनुष्य की इन आधारभूत स्वतंत्रताओं पर इन तीन प्राकृतिक अधिकारों पर जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रतिबंधित करे प्रतिबंध लगाए और लॉक ने अपनी पुस्तक में जो टू ऑन सिविल है, उसमें भी संप्रभु, सौवरन, आप सौवरन, एक ऐसे को समझ सकते हैं जो अपने जीवन के आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके यानी कि लॉक ने अपनी इस पुस्तक में कहीं भी संप्रभु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और देखिए लॉक का कहना था चूंकि जनता सरकार जनता की सेवक है और वह केवल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे जनता की स्वीकृति प्राप्त हो उसे सीमित शक्तियां केवल इस उद्देश्य से प्रदान की गई है ताकि वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा देता रहे और जैसा कि मैंने कहा तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी राइट टू लाइफ राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी और उसके अनुसार इन तीन प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संपत्ति का अधिकार और इसके बाद यदि कोई अधिकार आता है तो उसने धार्मिक सहिष्णुता की रिलीजियस टॉलरेशन की भी बात की थी देखिए दूसरे एक फेमस थिंकर रहे थे नेगेटिव लिबर्टी के एडम स्मिथ जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे देखिए एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशंस और अपनी इस पुस्तक के माध्यम से उसने एक सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ faire ध्यान से सुनिएगा यह बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आपसे कल को पूछा जाएगा हु हैज रिटन द बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन given गिवन द थ्योरी ऑफ faire किसने अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया किसने laissez-faire का सिद्धांत दिया किसने वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की तो वो एडम स्मिथ थे और एडम स्मिथ ने राज्य के संदर्भ में कहा था कि राज्यों को व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और वह राज्य बहुत अच्छा होगा जो व्यक्ति की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मिनिमम इंटरफेरेंस करे यानी अहस्तक्षेप करे व्यक्ति जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहे उतना करे कितनी मात्रा में करना चाहे उतना करे और वस्तुओं की कीमत को सरकार निर्धारित ना करे बल्कि बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार वस्तुओं की कीमत को निर्धारित होने देना चाहिए यानी आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अर्थव्यवस्था में वो ताकत होती है वो अदृश्य शक्तियां होती है वो इनविजिबल हैंड होता है इकोनॉमी के पास कि वो खुद को अपने आप एकट कर लेता है और उत्पादन के साधनों पर यानी भूमि पर श्रम पर और पूंजी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए इसी बात को हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समर्थन किया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने देखिए प्राकृतिक जगत में सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट योग्यतम की उत्तर जीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जिक्र करते हुए सिद्ध करने की कोशिश की थी कि जीवन में जो योग्य व्यक्ति है जो सक्षम व्यक्ति है जो कैपेबल है केवल वही जीवित रह सकता है देखिए आपको याद होगा आप थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी की तरफ जाके याद कीजिएगा आपने चार्ल्स डॉविन का एक थ्योरी पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और प्राकृतिक जगत से प्रेरणा लेते हुए चार्ल्स डॉविन ने थ्योरी दी थी और चार्ल्स डॉविन से प्रेरणा ली हर्बर्ट स्पेंसर ने और व्यक्तिवाद का समर्थन करते हुए उसने योग्य व्यक्ति के जीवित रहने की संकल्पना का समर्थन किया उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जिक्र करते हुए सिद्ध करने की कोशिश की कि जीवन रूपी संघर्ष में जो व्यक्ति योग्य है जो कैपेबल है जो इफिशेंट है केवल वही व्यक्ति जीवित रह सकता है और सरकार को समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए कमज़ोर व्यक्ति के लिए कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम नहीं करना चाहिए ऐसे लोग राज्यों पर एक परजीवी की भांति होते हैं ऐसे लोगों को खप जाने दिया जाना चाहिए इसलिए राज्य को कमज़ोर वर्ग का कमज़ोर तबके का उपाश्रित वर्ग की कोई सहायता नहीं करनी चाहिए देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि यदि आप कंप्लीट लिबर्टी की बात करें पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति या पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति की बात करें तो ये एक ऐसे संतुलन इक्विलिब्रियम का नाम है जिसमें सरकार की आवश्यकता ही नहीं होगी परंतु शायद मनुष्य इस स्थिति में कभी नहीं पहुंच पाएगा और जब तक एक आदर्श स्थिति विकसित नहीं हो जाती तब तक सरकार और राज्य का होना बहुत आवश्यक है ध्यान से सुनिएगा यही वजह थी कि सभी व्यक्तिवादियों का कहना था कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है स्टेट इज एन इविल राज्य एक अनावश्यक बुराई है क्योंकि जब तक संतुलन नहीं आ जाता पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा विकसित नहीं होती तब तक राज्य और सरकार का होना बहुत आवश्यक है इसलिए ना चाहते हुए भी हमें सरकार को और राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा देखिए राज्य के कार्यों के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि राज्य का कार्य बहुत संकुचित होना चाहिए और राज्य को केवल एक पुलिस मैन की भांति कार्य करना चाहिए और इससे अधिक और कुछ नहीं देखिए हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि राज्य को केवल दो काम करने चाहिए एक उसे राज्य के भीतर आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए और दूसरा यदि बाह्य आक्रमण होता है देश पर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो राज्य की सुरक्षा चाक चौबंद को करना राज्य का मुख्य काम है और बाकी के जो काम है जो शेष कार्य है उसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए यही वजह है कि स्पेंसर ने राज्य को परस्पर रक्षा हेतु बनाई गई कंपनी ध्यान से सुनिएगा जॉइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी परस्पर रक्षा हेतु बनाई गई कंपनी कहा था ये चीजें याद रखिएगा जो जो मैं बोलता चला जा रहा हूं क्योंकि यही सब कल को आपको कॉम्पिटिशन्स में आपसे पूछा जाएगा देखिए यदि हम स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत पर गौर करें चाहे वो जॉन लॉक का विचार हो हर्बर्ट स्पेंसर हो नौजिक हो या फिर आपका आइसिया बर्लिन हो इन सभी लोगों ने वास्तव में एक ऐसे नॉन इंटरवेंशन जोन की तरफ इशारा किया था एक ऐसे अहस्तक्षेप हस, दायरे की तरफ इशारा किया था जिसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के माध्यम से वास्तव में जो सभी विचारक थे उन्होंने एक नॉन इंटरवेंशन जोन की बात की थी और नॉन इंटरवेंशन जोन की बात करते हुए इन्होंने एक अहस्तक्षेप दायरे की बात की थी जिसमें व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता याद रखिएगा मैक्सिमम लिबर्टी नंबर टू मिनिमम इंटरफेरेंस मैक्सिमम लिबर्टी मिनिमम इंटरफेरेंस की बात की थी सभी व्यक्तिवादियों ने और यही बात नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों ने भी की थी देखिए दूसरे लेक्चर में हम लोग सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करेंगे और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों ने वास्तव में स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में नहीं दी है बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था के रूप में दी है उनका कहना था कि व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती यदि व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दे दी गई तो स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई अंतर नहीं रह सकता और जो व्यक्ति ताकतवर हो सकता है कमजोर लोगों को दबाना शुरू कर दे इसलिए ज़्यादा से ज्यादा अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था किया जाना बहुत आवश्यक है संक्षेप में देखिए स्वतंत्रता वास्तव में असीमित अधिकार या सीमित स्वतंत्रता की बात नहीं करता बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की बात करता है धन्यवाद